राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम का नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं। आपके जीवन में जुड़ी जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान करते हैं दोपहर को 3 बजे, रात को 10 बजे लाइव प्रोग्राम के माध्यम से। तो दर्शकों, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक ऐसे चमत्कारी उपाय, और ये सारे चमत्कारी उपाय जो है वो टेस्टेड होते हैं, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स पर टेस्टेड है और उनका जिसका उनको बहुत बहुत बढ़िया और बेहतरीन रिजल्ट जो है वो देखने को मिलता है। अगर आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अगर आपके घर में पैसों की तंगी हो रही है, अगर आपको नजर लगी हुई है या आपके सारे काम अटके हुए हैं, तो एक रुई की बत्ती का एक ऐसा उपाय मैं आपको आज बताने जा रही हूँ जिससे आपके जीवन में समस्त समस्याएं तो दूर होंगी। कोई नजर, कोई दुश्मन आपका खड़ा हो गया, अचानक आपका चलता चलता काम बंद हो गया है, या आपके घर के अंदर 24 घंटे का कलेश रहता है, तो क्या ऐसा एक उपाय करना है रुई की बत्ती से, आज हम उस बात पर चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, मैं आपको बताने चाहती हूँ कि देखिए, वैसे तो अगर हम लोग कुंडली अगर अपनी दिखाकर कार्य करते हैं, अपनी कुंडली पे कार्य करते हैं, तो बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट आते हैं। जो आपकी कुंडली में इस साल के जो ग्रह चेंज हो रहे होते हैं, कई बार गोचर में गड़बड़ हो रही होती है, कई बार जो है आपके वर्ष कुंडली में गड़बड़ हो रही होती है, कई बार आपकी जन्म कुंडली के अंदर कुछ ऐसे ग्रह बैठे होते हैं जिससे हमें बड़ा नुकसान होता है और परमानेंटली ग्रह उस भाव को जो है वो दीमक की तरह खराब करे जा रहे होते हैं। तो उसके लिए आप अपनी कुंडली को दिखाइए, अपनी कुंडली का एनालाइजेशन करवाइए, उसके लिए बहुत बढ़िया आपको उपाय बताते हैं। 5 से 7 उपाय दिए जाते हैं जो मात्र एक बार साल में आपने कर लिए तो आपको ये छोटे छोटे टोटकों की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती है। लेकिन सभी प्रकार के लोग हैं, सभी प्रकार की दुनिया है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, हम अपॉइंटमेंट फीस नहीं कर सकते, तो हमें छोटा सा चमत्कारिक उपाय बताइए गुरुमा जिससे हमारे जीवन में चमत्कार आ सके, हमारे रास्ते खुले, हम आगे बढ़े। कई लोग मेरे को कहते हैं कि गुरुमा, मैंने आपका एक उपाय किया था, उससे मुझे फर्क पड़ा तो मैंने अपॉइंटमेंट ले ली। मेरे पास बहुत सभी तरह के जो है, और हमने फीस भी इसलिए इतनी कम रख रखी है कि सभी लोग इसका फायदा उठा पाए, सभी लोग जो है अपनी कुंडली दिखा पाए और सभी लोग जो है अपने ग्रहों को ठीक कर पाए। तो आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे एक रुई की बत्ती की। तो रुई की बत्ती आपको किस प्रकार से लेनी है, एक आपने रुई लेनी है और उसकी बत्ती बना देनी है। देखिए कि गुरुजी ने प्रोग्राम के लिए मेरे लिए बत्ती बना के पहले से रख रखी थी, तो गुरु जो है ना साक्षी जी, मैं बनाता हूँ रुई की बत्ती। तो रुई की इतनी बड़ी बत्ती आप, इतनी बड़ी तो आप बना के रखिए क्योंकि जो है ना आपके शरीर पर नजर लगी है, आपके काम पर नजर लगी है, आपकी दुकान पर नजर लगी है, आपके घर पर नजर लगी है, आपके बच्चे पर नजर लगी है, किसी पे भी नजर लगी है। और कोई भी अगर आपका काम सारा अटक अटक कर होता है, 2 दिन चलता है, 4 दिन बंद हो जाता है, तो भी आप ये उपाय जो है वो कर सकते हैं। कोई भी बीमारी आपको लग गई है, शुगर की, बीपी की, इंस्टेंट इसका इफेक्ट देखना आप, इंस्टेंट इफेक्ट। अब आपने क्या करना है, रुई की बत्ती लेनी है। अब आपने इस बत्ती को, यहां पर मैंने इस कटोरी के अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है, आपको नजर आ रहा होगा सरसों का तेल लिया है, और ये रुई की बत्ती लेनी है। आपने बिना सरसों के तेल में पहले से डुबोए, आपने इस बत्ती को अपने सर से 31 बार, 7 बार कम से कम, मैं बोलती हूँ हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ 7 बार कम से कम, और ज्यादा 31 बार इसको आप मार सकते हैं। आपने क्या करा, इस बत्ती को लिया 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 7 7 बार मारने के बाद, या 31 बार मारने के बाद, आपने इस बत्ती को जो है इसमें सरसों के तेल में जो है आपने डाल दिया। सरसों का तेल उतना ही लेना जिससे बत्ती भीग जाए, फिर उसके बाद बचा हुआ सरसों का तेल आपको फेंकना ही पड़ेगा, उसको किसी काम में आप यूज नहीं कर सकते हैं। ये आपने बत्ती ली, इसके बाद इस बत्ती को आपने क्या किया, किसी भी अपने घर के नलके के ऊपर रखकर, नलका टैब जिसको बोलते हैं, चाहे वो किचन का नलका हो, चाहे वो बाथरूम का नलका हो, किसी भी नलके के ऊपर इस प्रकार से आपने रखकर, यहां से आपने जो है माचिस जलाकर, माचिस जो है जला देनी है, यहां पर आग लगा देनी है आपने, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आपने आग लगानी है। इस पॉइंट पर आग लगाने पर देखेंगे कि टप 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 कर करके ना फ्लेम्स आपकी आग से निकलनी शुरू हो जाएंगी, और जैसी अगर आपकी बहुत चिंगारी की तरह से निकलती है तो समझ जाइए कि बहुत जबरदस्त नजर है आपके ऊपर, बहुत जबरदस्त नजर है। अगर आपकी ऐसे यू करके फ्लेम भड़कती है, समझ जाइए नजर बहुत तेज है। अगर धीरे 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 करके सुलग रही है,
तो आपके सारे काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। आप टेंशन ना कीजिए, जिस प्रकार से भी बत्ती जलती है आपके काम होने ही होने हैं, आप इस चीज की टेंशन ना करें। वो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि अगर चिंगारी ऐसे भभक भभक करके आग पकड़ती है तो समझ जाइए बहुत जबरदस्त गंदी किसी की नजर थी, किसी ने आपके ऊपर टूटा टोटका कर रखा था। बच्चे के ऊपर से उतार लीजिए, किसी के ऊपर से उतार लीजिए, इसको आपने जो है टैप पर फिर उसके बाद ये पूरी जो है इसी प्रकार से आगे आगे बढ़ाते हुए इसको पूरी जला दे। अगर वहां पर खड़ा हो जाए आप 2 मिनट के लिए तो बहुत बढ़िया है, तो आपके सामने सामने सारी नजर जो है वो उतर जाएगी। तो इस प्रकार से कार्य करना है। बचे हुए सरसों के तेल को यूज नहीं करना है, और ये कार्य जो है वो आप जो है वो शनिवार को कर सकते हैं, वीरवार को कर सकते हैं, बुधवार को कर सकते हैं। 3 दिन मैंने आपको बताए हैं, बुधवार, शनिवार या वीरवार, थर्सडे, वेडनेसडे, सैटरडे, इन तीनों में कर लीजिए। अब इस प्रकार की कोई शर्त नहीं है कि सुबह करेंगे, रात को करेंगे, अंधेरे में करेंगे, सांझ में करेंगे, कोई शर्त नहीं है। आप रात को कीजिए, सुबह कीजिए, दोपहर में कीजिए, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे कीजिए, लेकिन आपको इसके बढ़िया रिजल्ट वेडनेसडे, थर्सडे और सैटरडे को ही मिलेंगे। इसको आप जो है ना हफ्ते में एक बार, या जो मैंने आपको 3 दिन बताए हैं उन तीनों दिनों में हमेशा करते रहिए, रेगुलरली बेसिस पे करते रहिए, या कम से कम 11 दिन तक इसे जरूर कीजिए। 11 दिन तक इसे जरूर कीजिए। घर में रुई मिल जाती है, सरसों का तेल भी मिल जाता है, माचिस भी होती है और नलका भी होता है। फ्री का उपाय है, फ्री का उपाय जो घर में ही बैठे बैठे कर सकते हैं, और इसके जो इसके रिजल्ट्स हैं वो आपके इंस्टेंट रिजल्ट, और 1 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है चमत्कार ये क्लाइंट्स बताते हैं। मैंने तो खुद देखा है चमत्कार, जो लोग बताते हैं गुरुमा हो गया काम, कल ही किया था और देखिए रिजल्ट आज आ गया। कई लोग कहते हैं कि 2 घंटे में ही ठीक हो गया था सब कुछ, मतलब बीमारी थी, उठ नहीं पा रही थी, शुगर बहुत बड़ी हुई थी, बीपी बहुत बड़ा हुआ था, 2 घंटे में ठीक हो गया, 1 घंटे में ठीक हो गया, 10 मिनट में ठीक हो गया, लोग बताते हैं। तो ऐसे ही और उपाय लेकर मैं हमेशा आपके पास में आती रहूंगी। आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, आपकी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी हम लाना चाहते हैं, आपकी लाइफ में पैसों का फ्लो बढ़ाना चाहते हैं, और पैसों से के लिए भी बड़ा ही जबरदस्त कोई उपाय है, करके देखें। नौकरी में रुकावट आ रही है, कहीं पर भी आपकी कोई रुकावट आ रही है तो जरूर कीजिए ये उपाय। और आज के लिए इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ताकि और लोगों का भी जो है इस प्रोग्राम के माध्यम से भला होता चला जाए। मैं डॉक्टर साक्षी ठाकुर अपनी वाणी को यही विराम दूंगी, राधे राधे। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आपके भी अगर जीवन में है समस्या तो अवश्य ही आप हमें दोपहर को 3 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या लिख के हमसे समाधान पा सकते हैं, और रात को भी 10 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या का समाधान हमसे पा सकते हैं। तो अवश्य ही जुड़िए हमसे दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे लाइव। मास्क लगा के घूमेगा उसी को मिलेगा।